खबर महाराजगंज से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होना है, जहां हर पार्टी के प्रत्याशी अपना जोर जनता के बीच में लगा रहे हैं, उनके बीच अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं। ऐसे में सिसवा विधानसभा में भाजपा चुनाव कार्यालय सिसवा में पूर्व राज्य मंत्री सिसवा स्टेट शिवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, जहां पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदेशी रविदास ने सभी का स्वागत करते हुए अभिवादन किया है। पूर्व राज्य मंत्री शिवेंद्र सिंह ने कहा कि काफी समय से हम बीच में नहीं आ पाए, अब समय आ गया है कि पार्टी की गतिविधियों को जनता के बीच लाकर रखें। वहीं पूर्व राज्य मंत्री शिवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंकज चौधरी के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा पार्टी की मोदी और योगी की नीतियों पर हमें चलना है, जिससे गरीब समाज में शोषित वंचित लोगों को जिन्हें मोदी और योगी आगे लाने की बात कर रहे हैं, उन्हें आज इंडिया गठबंधन ने लुभाने का काम कर रहा है। जनता से अपील किया किसी के बहकावे में न आए। महाराजगंज से संद्रजय सिंह के साथ अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पार्टी कार्यालय में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो सौभाग्य कि आप लोग भी इसी में उपलब्ध हैं, तो हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाने का फायदा पा रहे हैं। हम लोग वही लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कार्यालय पर बैठ के क्या योजनाएं हैं, क्या आदेश है, पार्टी के लिए कैसे काम करना है, वो समझने आए हैं। अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ हैं, तो हमको पता चला कि वो आए हुए हैं, हम आए कि आखिर मार्गदर्शन ले लें। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाके? अरे, मुद्दों की कोई सूची नहीं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, और जो किए हैं वही हमारा मुद्दा है। हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके नाम पर सभी चल रहे हैं, उससे बड़ा मुद्दा हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, जिसके काम से और जिन जो इन लोगों ने किया वो कहा था वो सब करके दिखाया है। 370 हटाना हुआ, राम मंदिर हुआ, भोजन अन्न पहुंचाना, कोरोना काल में सरकार ने जो कुछ भी जनता को दिया, मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के खाते में जो किसान कल्याण निधि आ रही है, तमाम ऐसी योजनाएं, हम भी उतनी जानकारी योजनाओं की, क्योंकि हम बहुत सक्रिय नहीं है, तो हम योजनाएं जमीन पर पहुंचे तो हम इसीलिए आए हैं कि हम कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने जो है ये आरोप लगाया है कि मोदी जी कभी भी बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके बात नहीं करते। अब सुप्रिया सिन्हा जी ने आरोप लगाना जो पैदल रहता है उसके लिए बहुत आसान है। उन्होंने तो पंकज चौधरी के ऊपर जो है नकारा और निकम्मापन का आरोप लगा दिया, क्या कहेंगे? भाषा वो सब हम लोग नहीं बोल सकते। अब की बार 400 पार, इस नारा पे क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो हम लोग के लिए कह रहे हैं 500 पार। इंडिया गठबंधन शुभकामना देंगे कि उनकी बात पूरी हो जाए। इंडिया गठबंधन के द्वारा ये चर्चा का बेसुमार लगा हुआ है कि भाजपा नेता पूर्व मंत्री शिवेंद्र सिंह जी जो है इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही मकान में जो है पार्टी कार्यालय खुली है। हम अभी बता रहे थे, आपस में ही बात हो रही थी, जब हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे तो मेरी जमीन में भारतीय जनता पार्टी के नेता का हेलीकॉप्टर उतरा, उनकी सभा हुई, तो तब ये आरोप नहीं लगा। तब तो मैं खुद प्रत्याशी था और मेरी जमीन में मैंने विपक्ष को जमीन दिया था, तब भाजपा थी और मैं चुनाव हार भी गया था, भाजपा जीती थी, तो वो चीज़ें, तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है आपके उपयोग में नहीं है और वो खाली पड़ी है, कोई भी उपयोग कर सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कार्यालय की जरूरत रहती तो हम उनको दिए होते, उनके पास अपना कार्यालय उपलब्ध था तो खाली थी, दे दिया, और वो भी मेरे परिवार की चीज़ है। आप यहाँ के कार्यालय के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सिसवा बाजार के लिए यहाँ का तो इंडिया का कार्यालय जो है वो भी भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार के भवन में है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग चीज़ है। और अब पहले चलें तो पहले ज़माने में पार्टियों के पास कार्यालय भवन कुछ नहीं होता था, किसी न किसी के घर में रह के ही कार्यालय चलते थे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। महाराजगंज के लोकसभा चुनाव में है चौधरी चौधराहट, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि जिसे बीरेन चौधरी जो है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है अपने बिरादरी को समेटने में लगे हुए हैं, क्या इसमें पंकज चौधरी को फायदा मिलेगा? देखिए, किसी भी हालत में पंकज चौधरी जी व्यापक रूप से लोगों में लोकप्रिय हैं और कम से कम अपनी बिरादरी में तो उनको पहचान की दिक्कत नहीं, तो उनसे बड़ा तो यहाँ कोई उस बिरादरी का नेता नहीं है जिसके लिए लोग गुमराह होंगे। उनके अपने समाज के लिए उन्होंने हमेशा किया भी है, उनके बीच में रहते हैं,